हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल चटपटी चटोरी रसोई। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी रेसिपी जिसमें हमें गैस चूल्हे की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फायरलेस कुकिंग है। आप इजीली कहीं भी बैठकर इस रेसिपी को रेडी कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। आज हम बनाने वाले हैं कोकोनट चोको स्लाइस। चॉकलेट से बनी हुई चीज़ें बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बेहद पसंद आती है। चॉकलेट सभी को बहुत अमेजिंग और यमी लगती है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कोकोनट चोको स्लाइस की रेसिपी। ये बहुत अमेजिंग रेसिपी है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप जो है केक क्रम्स। इस तरह के जो है केक्स हमारे पास बच जाते हैं जब भी हम केक रेडी करते हैं, तो उसके ऊपर के पार्ट में और अक्सर जो है क्रैक्स आ जाते हैं। जिस पार्ट को हम अलग करके रख लेते हैं, ये वही पार्ट है। उसे अच्छे से जो है इस तरह से क्रम्बल कर लीजिए। अच्छे से मैश करके मैंने क्रम्बल कर लिया है। 1 कप मैंने यहाँ पर जो है केक क्रम्स लिए हैं। यहाँ पर जो है मैंने चॉकलेट गनाश लिया है। चॉकलेट गनाश जो है फ्रेश क्रीम और चॉकलेट को मेल्ट करके रेडी किया जाता है। मैंने यहाँ पर मोर्डे का जो है चॉकलेट कंपाउंड यूज़ किया है। आप चाहें तो चॉकलेट सिरप भी यूज़ कर सकते हैं, जो मार्केट में हर्शीज़ का चॉकलेट सिरप आता है। मैंने यहाँ पर जो है 3 टेबलस्पून जो है चॉकलेट गनाश यूज़ किया है। अगर आप जो है चॉकलेट सिरप डालना चाहते हैं, तो इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड हो चुकी है। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। अब इसे जो है अच्छे से मिक्स करके एक स्मूथ सा जो है डो रेडी कर लेंगे। ये बहुत इजी रेसिपी है, इसे आप जो है झटपट 10 मिनट में आसानी से बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो है एकदम सॉफ्ट डो जो है रेडी हो चुका है। अब हम जो है कोई क्लिंग रैप या फिर आप प्लास्टिक शीट ले सकते हैं या फिर एल्युमिनियम फॉइल भी यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर जो है हम एक छोटा सा पोर्शन लेंगे, इस तरह से प्रेस करके जो है उसे अच्छे से रोल कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से जो है हम इसे रोल कर लेंगे। जैसे हम रोटी बेलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमें इसे बेलना है। इसकी थिकनेस आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा पतला मत कीजिएगा, फिर उसे फोल्ड करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ये देखिए इस तरह से। अब एक नाइफ की हेल्प से मैं जो इसके जो ये साइड में जो एजेस हैं, ये थोड़े से ऑकवर्ड लगते हैं, इसे जो है मैं कट कर लूँगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो कट कीजिए, अदरवाइज़ आप इसे ऐसे भी फोल्ड कर सकते हैं, बाद में कटिंग कर सकते हैं। मैं चारों तरफ से इसे जो है इक्वल कर लूँगी ताकि ये देखने में भी थोड़ा अच्छा लगे। ये देखिए, मैंने इसे जो है चारों तरफ से जो है एक सा कर लिया है इस तरह से। अब हम इस पर जो है चॉकलेट गनाश ऐड करेंगे। अच्छे से जो है मैं इसे चॉकलेट गनाश को इस पर स्प्रेड कर दूंगी। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है, बहुत यम्मी लगता है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बहुत ज़्यादा इसमें टाइम भी नहीं लगता, 10 मिनट में जो है ये इमिडिएटली बनकर रेडी हो जाता है। जब भी आपके बच्चे कुछ इस तरह की डिमांड करें और आपके पास इस तरह के जो है केक क्रम्स पड़े हों, अगर आपके पास जो है केक क्रम्स ना भी हो, तो आप ब्रेड को भी जो है इस तरह से क्रम करके चॉकलेट गनाश या चॉकलेट सिरप के साथ जो है एक डो रेडी कीजिए और उसे जो है इस तरह से बनाइए, उससे भी ये बहुत टेस्टी लगता है। अब हम जो है इस तरह से धीरे धीरे जो है इसे फोल्ड करेंगे। नीचे से जो है प्लास्टिक शीट को या एल्युमिनियम फॉइल जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, उसे धीरे धीरे उठाते हुए इसे हल्के से फोल्ड कर लीजिए इस तरह से। ये देखिए, ये बहुत आसानी से हो जाता है। धीरे धीरे हम जो है नीचे से इसे फोल्ड करते रहेंगे। अब जब लास्ट वाला जो कॉर्नर रह जाता है, उस वक्त हम जो है इसे इस तरह से करके प्लास्टिक शीट ऊपर से जो है कवर कर देंगे और इसे अच्छे से जो है पूरा फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से अच्छे से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। इसके दोनों साइड से हम इसे जो है अब अच्छे से प्रेस करके बंद कर देंगे। अब हम इसे 30 मिनट्स के लिए मैं इसे जो है फ्रिज में जो है सेट होने के लिए रख दूंगी। 30 मिनट्स के बाद ये देखिए हमारा जो रोल है वो बिल्कुल सेट है। ये देखिए, अब जो हम अपने क्लिंग रैप को अलग कर देंगे। ये देखिए सेट होने के बाद ये कितना इजी होता है उठाने में। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर जो है डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, थोड़ा सा इसके ऊपर जो है डेकोरेशन करने के लिए। बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगाएं, अदरवाइज इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इस तरह से जो है थोड़ा सा जो है कोकोनट, डेसिकेटेड कोकोनट यहाँ पर जो है स्प्रिंकल किया है। अब मैं इस रोल को इसके ऊपर जो है फोल्ड कर दूंगी। ये देखिए, इससे जो है ये दिखने में बहुत सुंदर लगता है।
और चॉकलेट के साथ जो कोकोनट का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो बहुत अमेजिंग लगता है। इसे जरूर ट्राई करके देखिएगा। ये देखिए, जहां पर थोड़ा थोड़ा रह गया उसे मैं इस तरह से जो है हाथ से स्प्रिंकल कर दूंगी। अब इसे जो है नाइफ की हेल्प से हम जो है कट कर लेंगे। पीसेस आप अपने हिसाब से, अपनी शेप के हिसाब से किसी भी तरह से कट कर सकते हैं। ये देखिए ये कितने सॉफ्ट हैं, और ये देखने में जितने सुंदर लग रहे हैं ना, खाने में ये उतने ही टेस्टी और यम्मी हैं। चॉकलेट एक ऐसी चीज़ है, उसे जिस भी चीज़ में हम डाल देते हैं ना, वो अमेजिंग और यम्मी बनी जाता है। तो ये तो केक क्रम्स के साथ हमने बनाया है, चॉकलेट गनाश के साथ बनाया है, तो ये बहुत ज़्यादा यम्मी और टेस्टी है। ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम क्रीमी, अंदर से बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे हम चॉकलेट ब्राउनी खा रहे हैं। ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी जो है कोकोनट चोको स्लाइस बनकर बिल्कुल रेडी हैं। आप इसे जो है इन्जॉय कर सकते हैं, अपने बच्चों को बनाकर कभी भी किसी भी वक्त दे सकते हैं, ये इजीली बन जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो और अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। आप किस तरह की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।